छोटा सा रास्ता भी है ये वाला, ये देखे रास्ता, ये रास्ता। तो ये बेसिकली जो इसको एक्सेस मिलेगा कि काम इनका यहाँ से जो एक्सेस का है ना वो बहुत तेज़ है, ये देखें बहुत तेज़ है इनका, ठीक है। जब से इनको ये वाला एक्सेस मिला है, देखिए ये जो घर आपको नज़र आ रहा है ना ये वाला, इस घर के साथ इन्होंने इनको वो दिया हुआ है जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की वो है ना इंटरचेंज, वो यहाँ से देंगे। ये जो पीछे घर नज़र आ रहा है आपको, मैं ऊपर पुल पे हूँ इस टाइम, ये मोटरवे आपके सामने ही है, ठीक है। कैपिटल स्मार्ट सिटी को जो मोटरवे की तरफ से एक्सेस मिला है वो आपको दिखाना था, ठीक है। ये देखें ये जो घर बना हुआ है, ठीक है, ये वाला ये घर जो बना हुआ है, इसके साथ देखें नीचे एक छोटा सा केबन पड़ा हुआ है ये वाला, और ये छोटा सा रास्ता भी है ये वाला, ये देखें रास्ता, ये रास्ता। तो ये बेसिकली जो इसको एक्सेस मिलेगा कैपिटल स्मार्ट को वो ये वाला है। अभी प्रॉपर एक्सेस मतलब यहाँ से इनकी वो हो गई है, अप्रूवल हो गई है, लेकिन अभी प्रॉपर जो एक्सेस है वो भी बना नहीं है। तो ये जो साइड है ये इस्लामाबाद वाली साइड से गाड़ियाँ आ रही है, और ये जो साइड आपको नज़र आ रहा है ये लाहौर वाली साइड पर जा रही है। ये जो बीच में आपको ये बनेगा जो इंटरचेंज बनेगा वो टलिया इंटरचेंज और चक्री इंटरचेंज के बीच में बनेगा, क्योंकि टलिया इंटरचेंज जो है वो पीछे है और जो चक्री इंटरचेंज है वो इस तरफ है, ये लाहौर वाली साइड पे वो इस तरफ है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आगे चक्री इंटरचेंज की तरफ है, और ये जो है ये मेरी ये पीछे, तो ये टलिया इंटरचेंज की तरफ है। ये सर मोटरवे जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया, पहले मैं उस पुल के ऊपर खड़ा था, ये वाला पुल, वहाँ से आपको दिखाया। बेसिकली जो कैपिटल स्मार्ट सिटी को एक्सेस मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा, ये गेट है प्रॉपर, लेकिन अभी चूंकि ये सिर्फ एक्सेस है मतलब अभी प्रॉपर बना नहीं, लेकिन इनका इंटरचेंज यहीं से बनेगा। ये वाली साइड इस्लामाबाद की है, ये वाली साइड जो है वो लाहौर की है। ये इनका एक्सेस बनेगा और यहाँ से इनको कैपिटल स्मार्ट से एंट्री होगी। ये कैपिटल स्मार्ट है, आप देख सकते हैं काम इनका माशाल्लाह बहुत तेज़ जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, और स्पेशली जब से इनको ये वाला एक्सेस मिला है इनके काम और तेज़ हो गया। ये यहाँ का जो एक्सेस इंटरचेंज स्टाफ होगा, ये उनके लिए घर बना हुआ है, वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है, पहले मैं उधर खड़ा था उस पुल के ऊपर, वहाँ से आपको दिखाया, अब यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। तो काम इनका यहाँ से जो एक्सेस का है ना वो बहुत तेज़ है, ये देखें बहुत तेज़ है इनका, ठीक है। जब से इनको ये वाला एक्सेस मिला है इन्होंने काफ़ी तेज़ कर दिया काम, और अच्छी बात है। कैपिटल स्मार्ट का वैसे यहाँ पे सिर्फ एक्सेस है, ज़्यादा एरिया इनका जो है ना वो पीछे करके हैं, यहाँ पे सिर्फ इनका ये एक्सेस है, यहाँ से इजीली जो है आप अंदर एंट्री करें, तो बहुत इजी अच्छी बात है। ये तकरीबन 3-4 दिन पहले ही इनकी यहाँ से वो हुई हुई थी, एक्सेस की अप्रूवल हुई थी प्रॉपर, तो अब यहाँ से ये एक्सेस होगा पूरा। ये पूरा रोड के ऊपर काम अभी स्टार्ट है, ये पूरा एक रोड बनेगा और जाके कैपिटल स्मार्ट सिटी, पूरा एरिया ही कैपिटल स्मार्ट सिटी में शामिल है पूरा वाला। पिछली वीडियो में मैं वहाँ पे खड़ा था, वो जो पहाड़ है इस तरफ वाला, यहाँ पे मैं खड़ा था और आपको मैंने कहा था कि मैं जिस एरिया में खड़ा हूँ तो इस पानी के उस तरफ, ये जो पीछे है सर फैसल टाउन फेस टू है, और आपको मैंने ये कहा था कि इस पानी के इस तरफ ये कैपिटल स्मार्ट सिटी है। तो उस वीडियो में थोड़ी सी कुछ लोगों ने उनके ऊपर तंकीद किया और मुझे मैसेज भी किए हैं, कमेंट्स भी किए, उन्होंने कहा जी आप इनका और इनका मुआवजना कैसे कर सकते हैं। ठीक हो गया, मुआवजना तो बनता है। मैंने आपको पहले भी इससे कहा कि मेरे कोई चाचे मामे के पुत्र ना कैपिटल स्मार्ट वाले लगते हैं और ना फैसल टाउन फेस टू वाले, हम अपना काम करते हैं, हक हलाल की मजदूरी करते हैं और पूरी दुनिया कर रही है, सर मैं नहीं कर रहा। मैंने सिर्फ उसमें ये कहा था कैपिटल स्मार्ट सिटी को भी एक्सेस चक्री रोड से है, और फैसल टाउन फेस टू को भी जो एक्सेस है वो चक्री रोड से है, मूर्ति मोड़ से इसको भी एक्सेस है, और कैपिटल स्मार्ट को भी मेन बिल्कुल मेन से चक्री रोड से इनको भी एक्सेस है, तो मुआवजना तो बनता है। बीच में सिर्फ पानी है, तो आप खुद सोचें कि इस पानी के इस तरफ रेट देंगे और इस पानी के इस तरफ रेट देंगे, बाकी एक्सेस तो दोनों का है कि अगर आप चक्री इंटरचेंज से भी आते हैं तो पहले आपके लेफ्ट साइड पे कैपिटल स्मार्ट आएगा, 5 मिनट के बाद आपको फैसल टाउन फेस टू आएगा, तो आप मुआवजना कैसे नहीं कर सकते, मुझे एक बात बताएं। आरडीआई के अंडर ये भी आता है, आरडीआई के अंडर वो भी आता है, ना तो ये सीडीआई के अंडर आता है ना वो सीडीआई के अंडर आता है। हाँ डेवलपमेंट अगर आप बात करें तो देखें उसको तो अभी एक महीना हो गया, वो तो अभी ग्राउंड डेवलपमेंट में स्टार्ट है, ठीक है, और इनको तो 5 साल हो गए, ये तो कोई पहली दफ़ा नहीं, इनका तो 5 साल हो गए हैं डेवलपमेंट करते करते। तो इसलिए मैंने उस टाइम सिर्फ कंपैरिजन करवाई थी, मैंने तनकीद नहीं किया था, किसी के ऊपर तनकीद नहीं करता, मेरी इतनी औकात नहीं मैं किसी के ऊपर तनकीद करूँ। दूसरी बात यह है कि ना तो चौधरी मजीद मेरा कोई चाचे मामे का बेटा है, ना ये जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो ओनर है, क्या नाम है उसका, नाम मैं भूल गया ना, वो मेरा कोई रिश्तेदार है,
मैं किसी पे तनकीद नहीं कर, तनकीद करने से पहले बंदे को ख़ुद सोचना चाहिए कि मेरी क्या औकात है कि मैं अगले पे एक तनकीद करूँ। ये पानी है बीच में, इस पानी के इस तरफ 5 मरले के क्या प्राइस है और इस तरफ क्या प्राइस है, मैंने सिर्फ ये कहा था। उसके बावजूद अब फिर भी मैं कोई, अल्लाह माफ़ करे, मैं वली नहीं हूँ, मैं भी एक आम सा बंदा हूँ और अपने रब का बहुत अदना सा बंदा हूँ, फिर भी अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे पहले तो उसके लिए माजरत। दूसरी बात, अगर मेरी किसी भी वीडियो में आपको कोई बात बुरी लगे, गलत लगे, आप लोग बिल्कुल मुझे क्लियर कट करें, मैं मुझे उस पर खुशी होगी। आप सब मेरे लिए काबिल एहतराम है, चाहे वो आप मुझसे छोटे हैं चाहे वो मुझसे बड़े हैं। जो जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, उन सबको मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी किसी भी वीडियो में कोई भी बात बुरी लगे तो आपने मुझे कमेंट्स में बता देना है। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन होता है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मुझे कोई उस पर मैं खफा नहीं हूँगा, उल्टा मैं खुश हूँगा कि हो सकते हैं मुझ में गलतियाँ हों, इंसान में होती हैं गलतियाँ, परफेक्ट और पूरी तो एक अल्लाह की ज़ात है। 2017 से स्टार्ट है, 5 साल इनको हो गए, ठीक है, डेवलपमेंट इनकी बहुत तेज़ है, काम इनका बहुत तेज़ है, एरिया इनके पास बहुत बड़ा है, ठीक है, और अभी तो माशाल्लाह इनको मोटरवे से एक्सेस भी मिल गया मुझे। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, मतलब इनको होना चाहिए था कि अभी तक इसमें से आबादी स्टार्ट करते, लोग शिफ्ट हो जाते, घर बन जाते। इस तरह देखिए, अब मैं फैसल टाउन में अभी बहुत सारा एरिया, फेज़ 1 की बात करूँ, ये तो 2 है, काफ़ी इस तरह पड़ा है कि अभी तक वो डेवलप नहीं हुआ, लेकिन उसमें फ्लैट्स बने हुए हैं, उसमें से लोग रह रहे हैं, उसमें से फैमिलीज है, उसमें लोगों ने घर लिए हुए हैं, बिज़नेस स्टार्ट है उसमें, साथ साथ में वो डेवलप भी हो रहा है। सेम आप फैसल हिल्स को ले लें, B17 को ले लें, तो इस तरह के बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि देखें वो डिलीवर कर रहे हैं, आप डिलीवर करें। मैंने सिर्फ ये कहा था कि अगर 5 साल हो गए, लोगों को किस्तें भी पूरी हो गई, पेमेंट्स भी पूरे हो गए, तो फिर वो घर क्यों नहीं बन रहे, फिर वो शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे, मुझे ये सिर्फ, मैंने सिर्फ ये अर्ज़ की थी। तो ये पहाड़ आपको पिछली वीडियो में दिखाए थे, ये जो नज़र आ रहे हैं आपको पहाड़, और ये जो साथ में जंगल है, ये जंगल, ये सारा सरकारी है। मैं लास्ट टाइम वहाँ पे खड़ा था, ये कम्बे के साथ जो नीचे ये वाला पहाड़ है, जो बिल्कुल पानी के करीब है, ये वाला मैं यहाँ पे खड़ा था और आपको ये सारा व्यू दिखाया था कि ये पीछे फैसल टाउन का एरिया, फेज़ 2 का, और आपको ये भी कहा था कि इस पानी से इस तरफ जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये सारा कैपिटल स्मार्ट सिटी है।